मेरा नाम सैयद दानिश काजी है और वेलकम टू माय व्लॉग। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान चौक कराची में, और वैसे तो पाकिस्तान चौक जो मशहूर है वो उसकी पहली वजह शोहरत है। यहाँ पर शादी के कार्ड और प्रिंटिंग का सामान फरोख्त किया जाता है, तो इसी वजह से पाकिस्तान चौक की पहली वजह शोहरत ये है। और पाकिस्तान चौक की जो दूसरी वजह शोहरत है वो है सुपर बन कबाब और उनकी चिकन बिरयानी। सो उससे पहले यहाँ पर सुपर बन कबाब से पहले एक और चीज़ ट्राई करेंगे, वो है यहाँ के चने। पाकिस्तानी चौक के चने बहुत मशहूर हैं। और उसके बाद सबसे आखिर में मैं मीठे के लिए जाऊँगा बंस रोड दिल्ली रबड़ी हाउस, जहाँ से मैंने लास्ट टाइम रबड़ी ट्राई की थी और अब मैं ट्राई करूँगा दूध दुलारी। सो चलो पहले चलते हैं यहाँ से, चेक करते हैं इनके चने पाकिस्तान चौक के जो बहुत मशहूर हैं। उसके बाद हम खाएंगे सुपर के बन कबाब और बिरयानी, और एट द एंड हम लोग बंस रोड जाके दूध दुलारी ट्राई करते हैं। सो स्टे ट्यून विद मी और आपको मैं आज दिखाता हूँ पाकिस्तान चौक कराची से। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आप इसी तरह से मज़े मज़े की वीडियो देखें और इसी तरह से मैं अपना कंटेंट आप तक पहुंचा सकूं। सो स्टे ट्यून और चले आज मैं आपको शेयर कराता हूं कराची पाकिस्तान चौक। यहां पर जूते बिक रहे हैं आपके 600 650 में जूते बिक रहे हैं, और फुट पार्क के किनारे खाने पीने की दुकान है। अच्छा, जैसे जैसे यहाँ शाम का टाइम बढ़ता चला जाता है, यहाँ पर ये छोटे छोटे कार्ड, दही बड़े, दही फुलकियाँ, इस तरह के कार्ड्स यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान चौक पे सुपर बन कबाब है, ये सुबह से ही बिजी शुरू हो जाता है। और उससे पहले, पाकिस्तान चौक से पहले, ये एक इसाक बन कबाब है, ये भी नया एडिशन है यहाँ पर, ये रिसेंटली खुला है। 45 रुपये का इनका बन कबाब होता है, और ये आप लाइन देख लो कितनी लंबी लाइन है इनकी, ये सब लोग बन कबाब लेने के लिए खड़े हैं। तो लेकिन इनके पास खाली बन कबाब होते हैं, और मुझे आज ट्राई करनी है सुपर की बिरयानी और सुपर के बन कबाब। इनके रश से ही ज़रा लगता है कि इनके बन कबाब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, वो किसी और वक्त ट्राई करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम चलते हैं सुपर के बन कबाब और चिकन बिरयानी ट्राई करने। ये सुपर बन कबाब और ये सुपर बन कबाब में बाहर इस तरह से बनाते हैं, और ये अंडे वाले चने के जो कबाब होते हैं, दाल के कबाब, उसको इस तरह अंडे में रैप करके इस तरह से फ्राई किया जाता है। यहाँ इस वक्त शाम का टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बेपनाह रश है, लोगों का आता बराबर ही देखें। लोग शाम के टाइम भी जॉब से घर जाते हुए यहाँ ये बन कबाब और बिरयानी के मज़े लेते हैं। और इसके एकदम सामने ये एक नया एडिशन है, ये पहले यहाँ नहीं था, इसाक बन कबाब। और इसके भी बन कबाब पे बहुत रश है, दबा के बन कबाब बिक रहे हैं। लेकिन मैंने हमेशा क्लासिक ये सुपर बन कबाब खाए, तो ट्राई हम करेंगे सुपर बन कबाब और इनकी बिरयानी। तो चलें अंदर चलते हैं और अंदर चल के इनकी बिरयानी और बन कबाब के मज़े लेते हैं। सो गाइस, अब मैं आया हूँ सुपर बन कबाब, जो पाकिस्तान चौक जो है उसकी एक पहचान है। कोई भी अगर आपको पाकिस्तानी चौक के बारे में कुछ बोलता है तो सुपर बन कबाब का नाम ज़रूर आता है। इनके पास चिकन बिरयानी भी होती है, और इनकी चिकन बिरयानी की जो स्पेशलिटी है वो है इनके आलू, और दूसरा इनके पास बन कबाब होता है। जैसे लास्ट ब्लॉग में आपने मेरे देखा था कि इनके बन कबाब, बन रोड के जो बन कबाब होते हैं, इनके भी बन कबाब बहुत मशहूर है। सो मैंने एक बिरयानी और एक बन कबाब ऑर्डर किया है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर भी एक मालपुरा वाला है, वो भी ज़रा मशहूर है, लेकिन मैं यहाँ से जाऊँगा बंस रोड, और बंस रोड में दिल्ली रबड़ी वाले के पास जाऊँगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैं आया था कि मैंने रबड़ी ट्राई की थी, और वहाँ मैंने इनके जो दूध दुलारी उसकी भी बहुत तारीफ सुनी है। तो पाकिस्तान चौक से बंस रोड बहुत दूर नहीं है, तो अच्छी दूध दुलारी के लिए आप 5 मिनट की ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो चले, अभी ऑर्डर किया है अपनी बन कबाब का और बिरयानी का। बिरयानी और बन कबाब आते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जनाब, बन कबाब आ चुके हैं। बन कबाब ये जो बन होते हैं, ये इसको बटर में या घी में इसको फ्राई करते हैं,
और ये हैं इसके कबाब जो चने की दाल के होते हैं और उसमें अंडे में इसको कवर करते हैं। और दूसरा सारा गेम ये चटनी का है, ये सारा गेम है चटनी का तो ये है। और ये भी हमारी आ गई है बिरयानी, जिसमें ज़बरदस्त सा एक चिकन का पीस है और आलू वाली। तो अब हम ट्राई करते हैं इन चीज़ों को। बंसूर वाले से बहुत बेहतर है। और अब बारी है बिरयानी की। जब हमें कराची की बिरयानी से बहुत डिसअपॉइंट है, ये नहीं बनी बहुत अच्छी बिरयानी नहीं बनी। अब आप ये बिरयानी का टेक्सचर चेक करो, बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। वैसे टेस्ट है जैसे आज से 7-8 साल पहले का। और इस बिरयानी ने मुझे ज़रा भी डिसअपॉइंट नहीं किया। पाकिस्तान चौक पे ये चाट वाला भी बहुत मशहूर है, ये शाम के टाइम आता है और इस पर भी बहुत रश होता है। ये चने की चाट होती है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट चाट होती है दूसरी चाटों से। इसने पका के सारे लवाजमात एक साथ रखते हैं, जबकि दूसरे जो चाट वाले होते हैं वो उबले हुए चनों को मसाला ऊपर से ऐड करते हैं, लेकिन ये जो चाट होती है ये पूरा इसमें मसाला और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मिक्स होती हैं। देखो सारी चीज़ें इसमें, इसमें सोडा भी डाला हुआ चनों में, चने एकदम खुले हुए। तो ये है फ्रेस्को की मशहूर जलेबी, और ये जलेबी दूसरी जलेबियों से बहुत मुख्तलिफ होती है। ये आम जलेबियों की तरह बारीक नहीं होती, ये बहुत मोटी जलेबी होती है। इसको यहाँ से बनाते हैं और बनाने के बाद इसको डालते हैं शीरे में। जब लास्ट टाइम मैं बंस रोड आया था 3 दिन पहले, तो उस वक्त ये जलेबी यहाँ ख़त्म हो चुकी थी रात के टाइम, और इस वक्त मैं यहाँ आया हूँ तो ये जलेबी बन रही है। तो इस जलेबी को चखे बगैर यहाँ से जाना बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी। मैंने काली जलेबी का पीस लिया है, और ये सिंगल जलेबी जो है ये है 112 रुपये की, बहुत ही गर्मा गर्म है। पूरी जलेबी आपकी इतनी बड़ी है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है ये। तो जनाब अब मैं आ गया हूँ दिल्ली रबड़ी हाउस, जहाँ मैंने लास्ट टाइम ट्राई की थी इनकी रबड़ी, जो बहुत आउटस्टैंडिंग थी। और इस दफ़ा मैं ट्राई करूँगा इनकी दूध दुलारी, क्योंकि उस दिन मैंने खाली इतनी गुंजाइश थी कि रबड़ी ट्राई कर सकें। और ये बंस रोड की क्या कराची की एक बहुत ही मशहूर स्वीट शॉप है, जहाँ दूध दुलारी, कस्टर्ड, रबड़ियाँ और ये सारी चीज़ स्वयंसो मिलती हैं। सो अभी मैं लेता हूँ दूध दुलारी और फिट करते हैं टेस्ट, और फिर मैं आपको देता हूँ दूध दुलारी का रिव्यू। अच्छा, सीन कुछ ऐसा है, रबड़ी तो ट्राई की थी, रबड़ी पे फिर थोड़ा सा दिल आ रहा है, लेकिन रबड़ी नहीं लूँगा और दूध दुलारी लूँगा। और हाँ, इतना चुका हूँ कि इस वक्त पेट में गुंजाइश नहीं है, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि इनके जो डब्बे होते हैं टू गो वाले, उसमें दे दें। तो थोड़ा सा यहाँ खाएँगे और फिर थोड़ा सा घर ले जाएँगे, ज़ाया नहीं करेंगे। तो जना भी आ गई है दूध दुलारी, इसमें जेलो है और कस्टर्ड टाइप की चीज़ है। बहुत बहुत आतंग है, और ये मुझे लग रहा है इनमें इन्होंने कुमेल में बनाया हुआ है। आप जब भी कराची आओ या आप जब भी बंस रोड आओ, मीठा अगर आपको ट्राई करना हो तो ये दिल्ली रबड़ी हाउस है, वहीद कबाब के सामने वाली रोड पर। हाईली रिकमेंडेड, इनकी रबड़ी भी आउटस्टैंडिंग थी और इनकी ये दूध दुलारी भी डिफरेंट है, आउटस्टैंडिंग है। तो ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना कि कैसी लगी। आज मैंने आपको दिखाया कराची के पाकिस्तान चौक, जो प्रिंटिंग प्रेस और बिरयानी और कबाब के हिसाब से वजह से भी मशहूर है। सो अब मुझे अपनी वीडियो का इख्तिताम करना होगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और इसी तरह की वीडियोस ताकि मैं आपको शेयर कर सकूं। और आखिर में चलते चलते, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो चलें, आप इजाज़त दें, अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।